खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे 5 दिन के बाद आखिरकार हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपियों को गुजरात पुलिस ने गुजरात राजस्थान सीमा से पकड़ लिया। यूपी पुलिस को छकाने के बाद कंगाल हुए कमलेश के ये हत्या आरोपी, कैसे लगे एटीएस के हाथ बताते हैं आपको। काले कपड़ों से ढके चेहरे के पीछे कमलेश तिवारी के वही हत्यारे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। 5 दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार कल गुजरात एटीएस ने हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपियों अशफाक और मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छापेमारी से बचते बचते जब अशफाक और मोइनुद्दीन गुजरात की सीमा पर शामला जा पहुंचे तो गुजरात एटीएस ने उन्हें धर दबोचा। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामला जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया गया। शुरुआती पूछताछ में अशफाक और मोइनुद्दीन ने कमलेश तिवारी के विवादित बयान का बदला लेने के लिए हत्या की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक कमलेश के कातिल अशफाक और मोइनुद्दीन के पास पैसे खत्म हो गए थे जिसकी वजह से वो वापस पैसों का इंतजाम करने घर जा रहे थे। अशफाक ने अपनी पत्नी को फोन किया था जिसके बाद गुजरात एटीएस का काम आसान हो गया। कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अशफाक और मोइनुद्दीन ने 15 बार चाकुओं से वार किया और एक गोली भी मारी। कमलेश तिवारी के सिर में 32 बोर की गोली भी फंसी मिली। गुजरात एटीएस के सूत्रों के मुताबिक अशफाक ने ही कमलेश तिवारी पर गोली चलाई थी। मोइनुद्दीन ने कमलेश तिवारी को पकड़ा था और नौसिखिया अशफाक ने गोली चलाई थी। अशफाक की चलाई गोली पहले मोइनुद्दीन के हाथ में लग गई और फिर कमलेश को लगी। गोली लगने से मोइनुद्दीन घायल हो गया जो बाद में दोनों के लिए परेशानी का कारण बन गया। हत्या करने के बाद दोनों पहले बरेली भागे और फिर वहां से नेपाल चले गए, लेकिन पैसे खत्म होने की वजह से दोनों नेपाल में एक रात रुककर वापस लखीमपुर और फिर शाहजहांपुर आ गए। कमलेश तिवारी के हत्यारों से शुरुआती पूछताछ में विवादित बयान की वजह से कमलेश की हत्या की बात सामने आ रही है। कमलेश तिवारी की हत्या के केस में पुलिस ने अशफाक और मोइनुद्दीन से पहले नागपुर से आसिम अली और बिजनौर से एक मौलाना को भी गिरफ्तार किया था। अशफाक और मोइनुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब कमलेश तिवारी के परिवार की मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अब हम उनकी शिनाख्त करके फांसी चाहते हैं, हमको न्याय मिले, हम फांसी चाहते हैं, जल्द से जल्द उनके वो पहचान के और उनके फांसी दी जाए, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। बस इनको फांसी हो जानी चाहिए, बस इतनी और मेरी मांग रहेगी, बाकी और उनसे बहुत हम संतुष्ट हैं, कोई उनसे शिकवा मेरा नहीं है। पुलिस अशफाक और मोइनुद्दीन समेत गिरफ्तार बाकी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश के खुलासे में लगी है।